अंता में कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में 30वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कोटा कृषि विधायक के कुलपति डॉक्टर ए के व्यास ने की। कृषि विधायक के कुलपति व्यास ने फसल उत्पादन के साथ प्रसंस्करण व बाजार व्यवस्था के अनुसार फसल का चयन करके अधिक आमदनी प्राप्त करने की सलाह दी। जिले के सहयोगी विभागों के माध्यम से किसानों के लिए प्रशिक्षण प्रदर्शन व नैनो यूरिया पर प्रक्षेत्र अनुसंधान करने की आवश्यकता जाहिर करते हुए देसी खाद के उपयोग से सतत पैदावार की जा सकती है। संयुक्त निदेशक अतीश कुमार शर्मा ने बारा जिले की मिट्टी में आयरन व जिंक की कमी बताते हुए इसकी आपूर्ति हेतु मिट्टी जांच के अनुसार खाद व उर्वरक प्रयोग करने की सलाह देते हुए देशाई प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता बताई। बैठक में अंता कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य अधिकारी ने पिछले वर्ष की वैज्ञानिक सलाहकार समिति में प्राप्त सुझाव के समाधान व निर्णय को प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2022 की गतिविधियों के साथ वर्ष 2023 की कार्य योजना को प्रस्तुत किया। इस दौरान कृषि अधिकारी व किसान मौजूद रहे। और ऐसा हमेशा यही होगा कि मीटिंग के माध्यम से ही क्योंकि वहाँ पे पूरा एक बड़ा साइंटिफिक रूप बैठा होता है, तो आपको जो भी समस्याएं हैं वो कृषि विभाग के माध्यम से, किसानों के माध्यम से, दूसरे स्टेक होल्डर के माध्यम से या न्यूज़ पेपर के माध्यम से आप तक पहुँचती है, तो उसके ऊपर तो बधाई कर सकती है। यहाँ पे क्योंकि कृषि से जुड़े हुए आपके विभाग है या उससे जुड़े हुए देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।